हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्री रेडिकल्स के बारे में। पिछले दो लेक्चर्स में मैंने आपको अटैकिंग एजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया था, और पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप से टूटता है। एक होमोलिटिकली, दूसरा हेटरोलिटिकली ब्रेक होता है। तो जो फ्री रेडिकल्स हैं, जैसे फ्री रेडिकल्स कोवेलेंट बॉन्ड के होमोलिटिक फ्यूजन से ही टूटते हैं। फ्री रेडिकल्स कोवेलेंट बॉन्ड के होमोलिटिक फ्यूजन से ही हमको मिलते हैं। तो जो फ्री रेडिकल्स हैं क्या, कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच contain odd number of electron or unpaired electron is called free radicals. यानी वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। एग्जाम्पल मैं पहले बता चुका हूं, आपका बेंजाइल फ्री रेडिकल्स, एल्काइल फ्री रेडिकल्स, विनाइल फ्री रेडिकल्स इटीसी। अब इन फ्री रेडिकल्स की, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने पहले लेक्चर में, कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जब सिमेट्रिकली ब्रेक होता है, यानी दोनों एटम की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तब बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा और दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे। जो जो सेगमेंट्स हमको मिलेंगे, उन सेगमेंट्स को हम कहेंगे फ्री रेडिकल्स। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं रिएक्शन में, CH4 को हम इस तरीके से ले सकते हैं, CH3H। ये फ्री रेडिकल्स जब इस पर हम यूवी लाइट डाली जाती है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स का जनरेशन या तो हीट के थ्रू होगा, उसको हीट दी जाए, या यूवी रेडिएशंस डाला जाए उस पर। जब यूवी लाइट यानी गर्म करेंगे हम उसे, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे, और जो सेगमेंट्स हमको मिलेंगे उनको हम कहेंगे फ्री रेडिकल्स। आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में मीथेन पर जब यूवी लाइट डाली गई, तो जो CH बॉन्ड था वो होमोलिटिकली ब्रेक हुआ, और होमोलिटिकली ब्रेक होने से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गया और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गया, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत कम होता है। तो यहाँ जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो होमोलिटिकली ब्रेक होगा, और उससे हमको क्या मिलेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल हमको मिलते हैं। मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मिलेंगे हमको। तो फ्री रेडिकल्स का जो फॉर्मेशन है, अगर हम बात करें इसका फॉर्मेशन, तो फ्री रेडिकल्स का जो फॉर्मेशन है बाय कोवेलेंट बॉन्ड के होमोलिटिक फ्यूजन से होता है। यानी फ्री रेडिकल्स आर ऑब्टेन बाय द होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। यानी और दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होना चाहिए या अप्रॉक्स सेम होना चाहिए, तब बॉन्ड जो होगा वो होमोलिटिकली ब्रेक होगा। इस वजह से इसको हम सिमेट्रिकल फिजन भी बोलते हैं, सिमेट्रिकल फिजन भी कहते हैं। अब इसकी अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, फीचर्स की बात करें, तो जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये फ्री रेडिकल्स आप देख रहे हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली
न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अनप्योर इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक मतलब दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। दे आर पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इन पे कोई चार्ज नहीं है, दैट्स वाई दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इनकी बात करेंगे स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, यानी फ्री रेडिकल्स को कौन सी चीज स्टेबिलाइज करेगी। फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे या रेजोनेंस के बेसिस पे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो आपको नाम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स जनरल अगर हम बात करें, जो ऑर्डर है, एक बेंजाइल फ्री रेडिकल्स, बेंजाइल फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन एल्काइल फ्री रेडिकल्स। और एल्काइल फ्री रेडिकल्स में भी आपका टर्शरी एल्काइल फ्री रेडिकल्स, टर्शरी एल्काइल फ्री रेडिकल्स देन सेकेंडरी एल्काइल फ्री रेडिकल्स विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी एल्काइल फ्री रेडिकल्स विच इज मोर स्टेबल देन मिथाइल फ्री रेडिकल्स एंड विच इज मोर स्टेबल विनाइल फ्री रेडिकल्स। बेंजाइल फ्री रेडिकल्स ज्यादा स्टेबल होंगे एल्काइल फ्री रेडिकल्स से, और एल्काइल में टर्शरी एल्काइल मोर स्टेबल होगा सेकेंडरी एल्काइल फ्री रेडिकल्स से, वो ज्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी एल्काइल से देन मिथाइल फ्री रेडिकल से, और वो ज्यादा स्टेबल होगा विनाइल फ्री रेडिकल से। बेंजाइल्स आपको मालूम होना चाहिए कि बेंजाइल मतलब बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर CH2 ग्रुप लगा हुआ है और उस पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द बेंजाइलिक कंडीशन, बेंजाइल फ्री रेडिकल। और आपका विनाइल फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये आपके विनाइल फ्री रेडिकल्स हैं, बेंजाइल फ्री रेडिकल्स एंड विनाइल फ्री रेडिकल्स। तो बेंजाइल फ्री रेडिकल्स को रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है, ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, तो ये जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये आपका रिंग में एंटर कर जाएगा और इसको इससे स्टेबिलिटी इसको मिलेगी, रेजोनेंस से मॉलिक्यूल को जो स्टेबिलिटी मिलती है। यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो एटम्स के बीच में ही लोकलाइज हैं, यहां पर इसका रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, ये सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, अब इसमें हम कंसिडर करते हैं एल्काइल फ्री रेडिकल्स, क्योंकि ये बेंजाइल फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी और आपका के बारे में तो आप BSc में पढ़ेंगे 11th में। एल्काइल फ्री रेडिकल्स में
जो टर्शरी अल्काइल रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, जैसे कि हम कंसिडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल्स। स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल्स में हम ये तीन टाइप के हैं, टर्शरी अल्काइल हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं, यानी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स है टर्शरी, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल, ये टर्शरी मिथाइल टर्शरी अल्काइल फ्री रेडिकल्स है। यहां पर तीन मिथाइल ग्रुप्स हैं, 1, 2, 3, दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल्स, टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल्स। दिस इज द आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल्स, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल्स एंड इथाइल फ्री रेडिकल्स। ये स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल्स, टर्शरी कंडीशन, इफ कार्बन इज बॉन्डेड विद थ्री कार्बन, दिस इज द टर्शरी कंडीशन। आइसो प्रोपाइल, आइसो मीन्स इक्वल ग्रुप्स, यानी जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल कार्बन पर अगर वो दो इक्वल ग्रुप्स से अटैच्ड है, यहां पर मिथाइल मिथाइल ग्रुप्स हैं, इक्वल ग्रुप्स हैं ये, इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है, तो इसको हम कहते हैं आइसो, क्योंकि आइसोस मतलब होता है इक्वल, आइसो प्रोपाइल। और ये इथाइल फ्री रेडिकल्स है और दिस इज द मिथाइल फ्री रेडिकल्स। तो हाइपर कॉन्जुगेशन और के बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन अभी आपने पढ़ा नहीं है, आपको कराना है, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स स्टेबिलाइजेस द फ्री रेडिकल्स, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स फ्री रेडिकल्स को डिस्टेबलाइज कर देंगे। यानी ऐसे ग्रुप्स जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है, वो उसको स्टेबलाइज कर देंगे। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन इन डोनेटिंग इन नेचर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो ये कार्बन है जिस पर के फ्री रेडिकल है, जिसकी कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन है अगर आप देखें, 1, 2, 3 और 3 और 3, 6, 3 बॉन्ड और 1 इलेक्ट्रॉन, 7, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा इलेक्ट्रॉन दे करके। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, वो फ्री रेडिकल्स को उतना ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ये इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट भी शो करते हैं, ये भी आप पढ़ेंगे आगे। तो जितने मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, मोर विल बी द स्टेबल ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो आपका फ्री रेडिकल्स स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जितने ज्यादा होंगे, वो उस फ्री रेडिकल्स को उतना ज्यादा स्टेबलाइज कर देंगे। और जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, जैसे कि NO2, CN या हैलाइड हैलोजन्स वगैरह, वो उसको डिस्टेबलाइज कर देंगे। तो ये फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, जो कि मैंने आपको बताया अल्काइल फ्री रेडिकल्स की।
नेक्स्ट फ्री रेडिकल्स में स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री ऑफ फ्री रेडिकल्स, स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल्स इसमें हम कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल फ्री रेडिकल कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर मिथाइल फ्री रेडिकल्स या कोई भी दूसरा भी एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं। मिथाइल फ्री रेडिकल्स में जो कार्बन है, कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इस पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फिगरेशन इसका 1s2 2s2 2p2, ये ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फिगरेशन है। दो इलेक्ट्रॉन्स p में, दो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में ये s का इलेक्ट्रॉन जंप करके जो p एम्प्टी ऑर्बिटल से उसमें चला जाएगा, अब इसमें s एक s और दो p के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी वजह से हमको तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और ये जो आपकी प्योर ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलती हैं हमको। ये तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन, कार्बन के पास तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके तीन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये प्योर ऑर्बिटल जो है जिसने कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा, ये इस सिग्मा बॉन्ड के प्लेन के ऊपर लाई करेगी, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो तीन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ज्योमेट्री इसकी 120 डिग्री होती है, ये आपकी पी ऑर्बिटल है कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल विद वन इलेक्ट्रॉन, तीन सिग्मा बॉन्ड्स, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल स्टडी चाहिए हो, या जो BSc के स्टूडेंट्स हैं अगर वो फ्री रेडिकल्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो आपको, तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हों और वो अगर इस वीडियो को देखने के बाद उनको कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई कहीं कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक्स।